नमस्कार दोस्तों, मैं हरिहर, आपको हमारा चैनल टॉक के टॉपिक में स्वागत है। इसमें हम तमाम हफ्ते के बिजनेस अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें मार्केटिंग, फिनांस, इकोनॉमी और शेयर मार्केट से प्रश्न लिया गया। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो CA, बैंकिंग और किसी भी एंट्रेंस की हो, ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पहला सवाल, हाल ही में सुभाष चंद्र ने अपने अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया, वो किसी कंपनी से थे? ये जी एंटरटेनमेंट। अगले सवाल, हाल ही में सालकॉम नोकिया की किस प्लांट की खरीदा? ये श्री पेरुम्बलूर। इसमें वो अपुल चार्जर का उत्पाद करेंगे, ये तमिलनाडु में लगभग 7 साल से बंद था। सालकॉम विश्व के बड़े मोबाइल चार्जर उत्पाद कंपनी, वो भी एप्पल का। अगले सवाल, हाल ही में अदानी ग्रुप अदानी ग्रीन एनर्जी CFO ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? ये आशीष गर्ग। अदानी ग्रीन एनर्जी एक अक्षय ऊर्जा है। अगला सवाल, हाल ही में किसने तेज विशाल ने जियो फेंसी प्रौद्योगिक डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की? ये BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये चेन्नई में लॉन्च किया गया, इसका चेयरमैन एंड MD है डी राजकुमार। अगला सवाल, हाल ही में कौन सी वित्तीय ऋणदाता है जो कि CB उत्पादी साझेदारी के लिए SBI के साथ हस्ताक्षर किया? ये यूग्रो। यूग्रो एक टेक लेंडर है जो छोटा व्यापारियों के लिए है। अगले सवाल, हाल ही में वन प्लस किस राज्य में इसका पहला अनुभव का दुकान खोला, यानी एक्सपीरियंस स्टोर? ये कोयम्बटूर। ये और 100 स्टोर में खोलने की जिक्र की, वो भी 50 शहरों में। वन प्लस इंडिया का आंचलिक मार्केटिंग मुख्य है दर्शन बाला। अगले सवाल, हाल ही में रेलवे ने वित्तीय प्रबंधन किस शहर में एक संस्थान स्थापित किया? ये हैदराबाद। अगले सवाल, हाल ही में कौन सी कंपनी MCAP में 10 लाख रुपए की प्रथम फर्म बना? फर्म ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। MCAP मतलब मार्केट कैपिटल। अगला सवाल, हाल ही में कौन सी कंपनी फिलीपींस के से कारमुरी का अधिग्रहण किया? ये कारमुरी है, ये कार देखो, ये एक जयपुर बेस्ड कंपनी है। अगले सवाल, हाल ही में कौन सी कंपनी नेटवर्क ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये तेजस नेटवर्क। अगले सवाल, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने अपने कार्यकाल कब तक फैला है? ये 2020 अक्टूबर तक, ये दोबारा एक्सटेंड किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में इंडिया श्रीलंका को कितनी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट में देगी? ये 400 मिलियन। हाल ही में निर्वाचित श्रीलंका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, वो इंडिया के दौर में आए हैं। ये मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप के तहत मीट हुई। अगले सवाल, हाल ही में कौन BSNL के निदेशक HR के रूप में चार्ज किया? ये
पनीर सेल्वम, बी ई एम एल एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, ये बी ई एम एल। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा निर्माता एक M&M के साथ विलय किया, ये महिंद्रा व्हीकल। ये अपने पैरेंट कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा में अपने एंटिटीज़ को कम करने के लिए मर्ज होगी। अगले सवाल, हाल ही में कौन माइक्रो फाइनेंस पैनल के अध्यक्ष बने, ये एचआर खान। ये पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर थे। ये स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द कोड ऑफ रेस्पॉन्सिबल लैंडिंग में प्रथम चेयरमैन में काम करेंगे। अगला सवाल, हाल ही में किससे इंडियन ओवरसीज बैंक में CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रूप में नियुक्त किया गया, ये है भुवन चंद्रा। ये 1 दिसंबर से काम करेंगे, CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आपको पता है। अगले सवाल, हाल ही में क्लियर ट्रिप ने किस कंपनी के साथ पार्टनर की, ये पे बैक इंडिया। ये एक मल्टी ब्रांड प्रोग्राम है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने RCEP में प्रवेश नहीं की, ये जापान। RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इससे पहले हमारा देश भारत RCEP से निकाला, मीन्स नहीं साइन किया। अगला सवाल, हाल ही में किस एजेंसी ने भारतीय बिजनेस पर ऑनलाइन डेटाबेस लॉन्च किया, ये डून एंड ब्रैड स्ट्रीट। अगले सवाल, हाल ही में कौन सी एयरलाइंस ने भारत और नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जबर अल अजीवी को नियुक्त किया, ये एमिरेट्स। अगले सवाल, हाल ही में GDP विकास कितनी प्रतिशत तक गिरा, ये 4.5 तक। ये पिछले 6 साल से भी कम है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया। दोस्तों, आज का सवाल इसमें ख़त्म होते हैं, तो मिलते हैं अगले वीक में।